यकम जनवरी से आपका टाइम बदलने वाला है आपकी सलाहियतें रिवार्ड्स में बदलेंगी आपके इरादे मकासद की तकमील की वजह बनेंगे आपका अंदाज ए बहुत काउंट होने लगेगा लोग आपकी बात पर बहुत तवज्जो देंगे आपके खुद के पास भी ऐसे प्लान्स आएंगे जो हलचल मचा सकते हैं जो लोग हलचल मचाने की ताकत रखते हैं जो लीड्स द बिग वन द लीडर्स स्ट्रॉ हेडेड पीपल वो ऑब्वियसली इन्हीं छे हफ्तों में कामयाबी हासिल कर लेंगे स्टार्टेड फ्रॉम फोर्थ जनवरी इनशा मकसद जिंदगी एक और ही लेवल की चीज है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या पाना है दिस इज अजन जब आप मकसद जिंदगी पर फोकस कर सकेंगे विदऑल योर अबिलिटीज विदऑल योर इंटरेस्ट विदऑल योर रिसोर्सेज विद ऑल योर माइंड प्रेजेंस एंड कर बी जाय असलम न्यूज़ मैं हर अज़मी प्रोफेशनल स्टॉलजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ रिसर्च क्या हैं न्यूज़ आपके लिए खुशखबरी का एक सीज़न है जिसको सिर्फ़ मैंने अपने अल्फाज में बयान करना है सादा लफ्ज़ों में यही है कि यकम जनवरी से आपका टाइम बदलने वाला है आपकी सलाहियतें रिवॉर्ड्स में बदलेंगी आपके इरादे मकासद की तकमील की वजह बनेंगे आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से रिश्तेदारी कर सकेंगे ज़्यादा अच्छे अंदाज से कारोबार कर सकेंगे ज़्यादा अच्छे अंदाज से तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर सकेंगे वजूहत क्या हैं किन बिना पर मैं ये सब प्रडिक्शन कर रहा हूँ वो तफसील अभी बयान करता हूँ यकम जनवरी से सात जनवरी के दरमियान तीन आस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड तीनों यहाँ पर मेहरबान हैं आपके कई तरह के जोफ कई तरह की सेंसिटिविटीज़ रिकवर होंगी एंड यू विल बी ऑन नेचुरल ट्रैक इनशा ट्रैक ऑफ सक्सेस ट्रैक ऑफ प्लेजर पहली पहला इवेंट होगा जुपिटर फर्स्ट ऑफ जनवरी को जो पिछले चार साढ़े चार महीने से रेट्रोग्रेड चल रहा था वो डायरेक्ट हो जाएगा एंड ये आपके टेंथ एंगल पर डायरेक्ट होगा तो आपके कैरियर पर लटकती हुई ख़तरे की तलवारें सब ख़त्म होना शुरू होंगी आपके इशूज़ जो आपकी जॉब के लिए मसाइल पैदा कर रहे थे आपकी वो प्रॉब्लम्स जो आपके कैरियर में डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रही थी आपकी वो प्रॉब्लम्स जो आपके फाइनेंस को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी वो फर्स्ट ऑफ जनवरी से रिजॉल्व होती हुई नजर आती हैं ये सतही बात नहीं है आप पहली जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है आप देखना शुरू कर देंगे आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस दोबारा अपीयर होगा तफसील अभी बयान करूँगा ये लंबी बात है दूसरा इवेंट सेम डे यकम जनवरी को ही मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा आपके फिफ्थ एंगल पर ये उसके बेहतरीन एंगल पर से है एक बिहेवियर है फिफ्थ एंगल जहां आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा करेंगे आप अपने दिमाग को ज़्यादा फोकस देखेंगे आपके दिमाग में छाई हुई धुंध छट जाएगी आपके दबाव में कमी आएगी आपकी आपकी सीखने की सलाहियत बढ़ेगी आपकी लोगों को सिखाने की सलाहियत बढ़ेगी आपका अंदाज़ गुफ्तु बहुत काउंट होने लगेगा लोग आपकी बात पर बहुत तवज्जो देंगे आपके ख़ुद के पास भी ऐसे प्लान आएंगे जो हलचल मचा सकते हैं तफसील अभी और तीन शोबे हैं जो इसी मरकरी से फ़ायदे में जाएंगे वो भी बयान करता हूँ आपके लिए चार जनवरी को मार्स आपके सिक्स एंगल पर आ जाएगा मार्स अपनी आइडियल पोजीशंस में सिक्स एंगल पर से जब गुज़रता है तो वो एक आइडियल पोजीशन होती है जहाँ से आपको आसाइश ज़िंदगी प्रॉपर्टी से फ़वाद बड़ा घर या दीगर सहूल सहूलियात ज़िंदगी जिससे ज़िंदगी में आसाइश पैदा हो आसानी या आराम दे ज़िंदगी उसकी तरफ आपको ले जाएगा फिर आप ट्रैवलिंग बहुत ईज़ीली कर सकेंगे एंड इसी तरह हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो अपनी तलीमी काबिलियत को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा कर पूरा करना चाहते हैं वो भी पूरा कर सकेंगे और भी कुछ फ़ायदे हैं सब बयान करूँगा अभी आपके लिए सूरज छठे एंगल पर है ये वही एंगल है जिस पर चार जनवरी को मार्स आएगा दोनों आपस में बहुत दोस्त हैं सूरज की फेवर लियो को अब वो बताने की ज़रूरत नहीं आपका रूलिंग प्लानट है आपकी नेचुरल एबिलिटी आपकी सेंसेरिटी आपकी प्योरिटी आपकी संजीदगी इन सब में इजाफा होगा आप चीज़ों को ज़्यादा दिलचस्पी से करेंगे मकासद की तकमील के लिए ज़्यादा कोशिशें करेंगे कोशिशें सन्सेयरटीज़ पर मबनी होंगी आपका इंटरेस्ट लेवल डेवलप होगा ब्रेवरी लेवल डेवलप होगा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करेगा उसी दौरान मार्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा चार जनवरी को ये जो सूरज है ये बाईस दिसंबर से ही आपको सपोर्ट कर रहा है बाईस जनवरी तक जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो ज़िंदगी में आसाइश के डिसीजन्स होंगे जिंदगी में हायर लेवल के डिसीजंस हो गए ये जो पब जर्नल से डिसीजंस होते हैं आज खाना क्या है आज क्या काम करना है ये जर्नल डिसीजंस होते हैं मकसद ज़िंदगी एक और ही लेवल की चीज़ है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या पाना है दिस इज़ अ सीज़न जब आप मकसद ज़िंदगी पर फोकस कर सकेंगे विद ऑल योर अबिलिटीज़ विद ऑल योर इंटरेस्ट विद ऑल योर रिसोर्स विद ऑल योर माइंड प्रेजेंस एंड कर भी जाएंगे जो लोग हलचल मचाने की ताकत रखते हैं जो ल्यूज द बिग वन द लीडर्स द स्ट्रॉन्ग हैडेड पीपल वो ऑब्वियसली इन्हीं छः हफ्तों में कामयाबी हासिल कर लेंगे स्टार्टेड फ्रॉम फोर्थ ऑफ जनवरी इन बस जमीन पर जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं जो इंसानी कोशिशें हैं वो आपके जिम्मे हैं जो आस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट है ये आपके जिम्मे नहीं थी आप ला भी नहीं सकते बड़े ब्रेव हैं आप बहुत कम्यूनिटी आपकी बड़ी हुकूमतें आपकी आप सूरज को इस एंगल पर नहीं ला सकते थे ये रब ही ताला की मर्ज़ी से आते हैं उसी के दिए हुए कवानीन पर चलते हैं उसी के दिए हुए बिहेवियर्स को परफॉर्म करते हैं सूरज हीट कब देता है उसी की मर्जी है सूरज ने ठंडक कब फैलानी है ये उसी की मर्जी रब ताला ने उसको ऑर्डर दिया हुआ है वो भी एक मखलूक है अल्लाह ताला ने उसे खल किया है वो भी एक ऑब्जेक्ट है वो बे कर रहा है सदियों से कर रहा है जब तक कि आमद बर्पा नहीं हो जाती तब तक करता रहेगा अगली बात मरकरी आपके फिफ्थ एंगल पर आइडियल है एंड फिफ्थ ही एंगल पर आपके वीनस है सो so, इन दोनों की कंबिनेशन अलग से आपको मेरिट्स इन्स करके देगी आपके मैार में जो कमियां हैं वो पूरी होंगी आपकी जो लव कमिटमेंट्स हैं वो स्टेबलाइज होंगी आपकी कम्युनिकेशन मैजिकल होगी इजहार मोहब्बत के लिए आपके लफ्ज़ों का चुनाव भी बड़ा उमदा होगा पब्लिक डीलिंग के लिए अपनी डील को मेच्योर करने के लिए फिनिश लाइन देने के लिए भी आपके पास बड़े अच्छे प्लान आएंगे आपको इस वक्त जहन में उठने वाले आइडियाज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए उन्हीं आइडियाज पर काम करते हुए आप कई तरह की नई कामयाबियां हासिल कर सकते हैं फिर इस वक्त जिस अंदाज से आप गुफ्तगु करेंगे वो आपके पी आर बनाएगा पब्लिक रिलेशन भी पर्सनल रिलेशन भी ये पी आर बाद में आपकी फेस वैल्यू बनेगी आपकी शोहरत इसी पी आर की वजह से आप आगे फ्यूचर में अपने आप को ज्यादा अच्छे अंदाज से पब्लिकली प्रजेंट कर सकते हैं सो दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी रिलेशनशिप्स के लिए भी अपनी पब्लिक कनेक्शंस के लिए भी अपने पर्सनल कलेक्शन कनेक्शन के लिए भी इकदाम कर सकते हैं अगले एडवांटेज सुनिए वीनस आपके लिए आपके टेंथ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है जब मरकरी के साथ होगा तो जीनियस आइडियाज आएंगे तो वो कैरियर को डेवलप कर सकते हैं सो रेडी फॉर द टेक ऑफ इन द कैरियर साइड स्पेशली योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एक तरफ़ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें दूसरी तरफ जो आपकी जॉब है वो करें दोनों कर सकते हैं या तीसरी तरफ आप इकदाम कर सकते हैं कि आपके जिस तरफ को इंटरेस्ट हैं और आप उसका कोई चीज़ सीख ही लें परफॉर्म ना भी करें इन्वेस्ट ना भी करें सिर्फ सीख लें तो भी मुमकिनात में से है मरकरी आपको सीखने का मौका देगा सेटर नेगेटिव है दैट इज़ द ओनली थ्रेट आपको उसे बहरहाल रिकवर करना होगा नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपको उलझाता रहेगा उलझाने का मतलब ये होता है कि सब चीज़ें ठीक चल रही हैं बट परफॉर्म करने को लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिल रहा तो वो सेठन की वजह से कभी हेल्थ सेंसिटिविटी कभी माइंड सेंसिटिविटी कभी रिसोर्सेज सेंसिटिविटी एंड कभी फिर अदरवाइज़ जैसे लोगों की अपोजिशन ये कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है एक प्लानट सात प्लैनेट्स को बीट नहीं कर सकता ये मैंने अपने 25 साल करियर में इस साल 4 जनवरी को 25 साल हो जाएंगे मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए एंड इन 25 सालों में मैंने ये कभी नहीं देखा कि छः प्लानट बीट हो जाएं एक बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दे ऐसा नहीं होता बट ऐसा ज़रूर देखा कि छः प्लानट से जो सहूलत मिली जो सुख मिला जो इज्जतें मिली जो फेस वैल्यू मिली उसमें ये सुई चुभोए थोड़ी सी तंगी करे एंड वो सारा मज़ा खराब कर दे पूरा जिसम अगर ठीक हो किसी एक जगह पर पेन हो रही हो वो कम वक्त एक पेन पूरे जिसम की प्लेजर को ख़राब करती है उस तरह की पेन से बचने के लिए मेरा ये मशवरा है कि आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए सुरज शम्स फाइव टाइम्स इन अ डे कंसीडर करनी चाहिए इजी है वैसे भी तलावत कुरान मजीद डेली करनी चाहिए दिल की तबीयत ठीक रहती है दिल तंदुरुस्त रहता है अगर आपका कुरान पढ़ने को दिल ना करे तो समझें आपकी तारें कट रही हैं दीन से जिसको कुरान में दिलचस्पी पैदा शुरू पैदा होना शुरू हो जाए इसका मतलब है उसका रुझान बढ़ रहा है रूहानियत की तरफ कुरान बोझल बोझ होता है पढ़ना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिनको दुनिया अच्छी लगती हो जिनको दीन अच्छा लगता हो या रूह अच्छी लगती हो या रब से मोहब्बत हो उनको सबसे पहले कुरान से मोहब्बत होती है नमाज़ वगैरह सब सभी दीन के सतून है पर कुरान से मोहब्बत उसको इलम हासिल करने का तशनगी बढ़ती है दिस इज़ माई एक्सपीरियंस दैट इज़ माई ओन ओपिनियन मे बी सम लोग इससे एग्री ना करें बट हकीकत यही है अगली बात अगर सूर शम्स फाइव टाइम्स इन अ डे पड़ी, ब्लू सफ़ायर आठ से दस कैरेट पहना तो यकीन मानिए जो डिफ़िकल्टीज हैं वो रिपेयर होंगी एंड यू विल बी ऑन ट्रैक सैटर्न भी बैलेंस हो जाएगा एंड एन्जॉय करिए अपनी जिंदगी को फिर भी कुछ कमी रहे फिर भी उलझने बरकरार रहें फिर भी चीज़ें सेटल ना हों तो पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाइए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं ये एक बेहतरीन बेसिक डायग्नोसिस मेथड है बर्थ चार्ट कैलकुलेशन जो इंडिविजुअली किसी लियू को चेक कर सकता है कि उसके साथ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है एंड फिर उसे रिकवर कैसे करना है वो सब पता चल जाता है बट वो फ्री फॉरम नहीं है लियूज होपली आप अंडरस्टैंड करेंगे मैं इतना एक्साइटेड हूँ बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए बट वीडियो इतनी लंबी हो गई है बाकी बातें अगले हफ्ते बयान करूंगा मुझे इजाज़त दीजिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए मेरी टीम को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए बहुत एफर्ट्स करते हैं अब तक के ये इफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ल्यूज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद